हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ गया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नया चैप्टर पढ़ेंगे, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th का। ठीक है, बोर्ड और नीट दोनों के लिए काफी होगा इस चैप्टर से। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो अभी तक हमने क्लास 12th के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर पढ़ लिए, तीन चैप्टर पढ़ लिए। ठीक है, तीन नहीं पढ़ लिए, तीसरा पढ़ रहे हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, अब तीसरा पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आपने हेडिंग देखा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम है इसका। आप इसको पढ़ने के लिए एनसीईआरटी खोल लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। आप बातें सुनते रहिए, एनसीईआरटी को एक बार देख लेंगे और मेरी बात सुन लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम नो थ्योरी, इस वीडियो में आपको थ्योरी नहीं दिखाई जाएगी, केवल बताया जाएगा और इसके माध्यम से समझा दिया जाएगा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस लेक्चर में। तो इसमें पांच छह टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ते एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा है फिर दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे, फिर तीसरा आएगा गैमेटोजेनेसिस जिसमें हम स्पर्म और ओवम कैसे बनेगा उसके बारे में देखेंगे, फोर्थ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर पांचवा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कैसे होगा, फिर छठा प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, फिर छठा आ जाएगा पार्चुरिशन और लैक्टेशन कैसे होगा। यहां तक पढ़ेंगे हमारे चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन होगा कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? आप मैंने पहले बता रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को करने के लिए एक सर्टेन एज पर आना होगा, ठीक है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। उस एज पर आने पर हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होती है, इंटरनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस। जो चेंजेस होती है वो किसकी वजह से होती है? हार्मोन्स की वजह से होती है। हमारी बॉडी में कुछ नए हार्मोन्स ऐड होते हैं, कुछ नए हार्मोन्स ऐड होते हैं तो उससे वजह से कुछ नए फंक्शन होते हैं, उसी वजह से हमारे अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। जैसे गैमेट बनना, एक्सटर्नल हेयर आना, हमारी जो मेल में होती है हाई पिच, लो पिच वॉइस हो जाती है, फीमेल में हाई पिच वॉइस हो जाती है, ये सारी सेकेंडरी ग्रोथ कैरेक्टर भी डेवलप होने लगते हैं। जैसे एक्सटर्नल हेयर आना, प्यूबिक हेयर आना, ये सारी चीजें अपीयरेंस होती है रिप्रोडक्टिव फेज में। वहां पर गैमेट भी बनता है, गैमेट बनेगा तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म बनेगा, फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर देखेंगे गैमेटोजेनेसिस की गैमेट कैसे बनना, अभी मैंने बता दिया, ठीक है, ये देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझ गया आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो आप सर्टेन एज पर आना तभी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल रहोगे, उससे पहले नहीं रहोगे, ठीक है। आपको रिप्रोडक्शन एज पर आना है, रिप्रोडक्टिव फेज पर आना है। और एक बात ये हो गई कि जो मेल होता वो रिप्रोडक्शन कभी भी अपने किसी भी एज में कर सकता है, एक बार रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया उसके बाद से वो जब तक मर नहीं जाएगा, ओल्ड एज तक वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि स्पर्म बना सकता है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस कर सकता है, ठीक है, मेल में। ये नहीं कि जब आप छोटे, तो जब आप रिप्रोडक्टिव फेज पार कर गए, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए, उसके बाद से जब तक आप जिंदा जीवित हो तब तक आप गैमेटोजेनेसिस कर सकते हो, जब तक आप गैमेटोजेनेसिस कर सकते हो तब आप फर्टिलाइजेशन कर सकते हो, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर फीमेल की बात करें, वो भी तो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कब करेगी? जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगी तभी करेगी। लेकिन उनका ये नहीं है कि वो गैमेट पूरी लाइफ टाइम तक बनाएगी, नहीं, उनको गैमेट बनाने के लिए 50 से 55 साल की उम्र तक ही गैमेट बनता है फीमेल में, ठीक है। जहां पर वो स्टार्ट करती है गैमेट बनाना उसे हम बोलते हैं स्टेज को मेनार्चे, ठीक है, और जहां पर स्टॉप करते हैं मेनोपॉज। पॉज आ गया ना, पॉज मतलब रोक देते हैं, वीडियो बनाते हैं पॉज का बटन दे रहा था, पॉज मूवी चल रही पॉज बनता है रोक देते, तो मीनोपॉज मतलब वहां पर वो आगे गैमेट नहीं बना पाएगी, ठीक है। एक होता है मीनार्चे, मीनोपॉज, दोनों में अंतर समझ लीजिए। मीनार्चे मतलब यहाँ से गैमेट बनना स्टार्ट हुआ, मतलब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ स्टार्ट हुआ और यहाँ पर गैमिट बनना खत्म हो गया। उसके बाद से गैमिट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब नहीं कर सकती उस एज के बाद, तो वहाँ पर मेनोपॉज आ जाता है। एक मेनार्के, एक मेनोपॉज फीमेल है। अब मेल में जब रिप्रोडक्टिव, एक बार रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया तो वो रिप्रोडक्शन करता ही रहेगा। ओके क्लियर। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको दिख रहा होगा डायग्राम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहली बात आ गई, चार एसेसरी डक्ट होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं। ये सबसे पहली बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहां पर है। पहले स्ट्रक्चर तो बाद में देखेंगे ना, पहले पता होना चाहिए लोकेटेड कहां पर है, स्थित कहां पर है। तो ये पेल्विक रीजन में स्थित होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या क्या है, इसके पास दो टेस्टिस है, पेयर में टेस्टिस होते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना होगा कौन कौन सी चीज पेयर में होती है, कौन कौन सी चीज सिंगल होती है। अभी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे हम, वहां पर एक ग्लैंड सिंगल होती है, दो ग्लैंड पेयर में होते हैं, ठीक है। लेकिन टेस्टिस तो आप दो सुना होगा। अब बात कर लेते हैं टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होती है। टेस्टिस प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के बाहर, हमारे बॉडी के बाहर स्क्रोटल सैक एक पाउच होता है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर क्यों मौजूद होती है, मतलब स्क्रोटल सैक में, उस पाउच में क्यों मौजूद होती है, हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं मौजूद होती है। तो टेस्टिस के अंदर क्या प्रोसेस होता है, जो गैमेटोजेनेसिस है वो टेस्टिस के अंदर ही होता है, ठीक है। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर होता है, और टेस्टिस में हमारी बॉडी से 2 to 2.5 degrees Celsius लोअर टेम्परेचर मिलता है, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है कि जो टेस्टिस स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एक पाउच जिसे हम स्क्रोटल सैक बोलते हैं, ठीक है, ये बाहर प्रेजेंट होती है, ये स्क्रोटल सैक में दोनों प्रेजेंट होती है एक साथ। यहाँ पर तो खोल कर बताएगा तो आपको स्ट्रक्चर समझ जाएगा, ठीक है। स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी से 2 to 2.5 degrees Celsius लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करती है टेस्टिस को, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है। अगर आप उतना ही दोगे, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 degrees Celsius होता है तो स्पर्म नहीं बने, उससे 2 to 2.5 degrees Celsius लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करना है टेस्टिस को, तो स्क्रोटल सैक वही काम करता है। अगर ठंडी आ गई, ठंडी में टेम्परेचर वैसे ही कम रहता है, तो स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर और कम हो जाएगा, तो उसे अपनी बॉडी से जितना उसे टेम्परेचर चाहिए उतना ही चाहिए, ना उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए, ठीक है। तो जो स्क्रोटल सैक होता है उसके अंदर भी बहुत सारी मसल्स होती है, गुबर्नेकुला, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए बता नहीं रहे, नवन आप वो भी याद करने बैठ जाओ। तो बहुत सारी मसल्स होती है वो रिलैक्स कर जाती हैं, रिलैक्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जो स्क्रोटल सैक होता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, आपस में ऊपर की तरफ खींच जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझते हो ना, कोई चीज ऐसे ऐसे ढीला पड़ा है, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब टाइट हो गया, तो टाइट हो जाएगा बॉडी के ऊपर, टच हो जाएगा एब्डोमेन के ऊपर, तो वहां से उसे हीट मिलता रहेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इन द केस ऑफ गर्मी में, अगर वही चीज गर्मी में, तो गर्मी में तो और गर्मी मिलेगी, अगर आप एक दूसरे से अटैच हो तो गर्मी बढ़ती जाएगी, अलग हो गए तो ठंडी होगी, थोड़ी बहुत ठंडा लगेगा। तो जो स्क्रोटल सैक होता है वो रिलैक्स हो जाता है, मतलब आराम से नीचे की तरफ खिंच जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो वहां पर गर्मी के टाइम पे वो रिलैक्स स्टेट में रहता है, ठंडी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मतलब अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, उससे जितना बॉडी का टेम्परेचर उससे 2 to 2.5 degrees Celsius लोअर टेम्परेचर चाहिए इस पंप को बनाने के लिए। ओके बात क्लियर। तो यहाँ पर हो गया टेस्टिस के बारे में। अब स्पर्म टेस्टिस में बनता है, एक कंडीशन आपको पता है, स्पर्म बनने के लिए टेस्टिस को 2 to 2.5 degrees Celsius लोअर टेम्परेचर चाहिए, कहाँ किससे, बॉडी से 2 to 2.5 degrees Celsius लोअर टेम्परेचर चाहिए। और कहाँ प्रेजेंट होता है, विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक बोल लीजिए, स्क्रोटम भी बोल सकते हैं, स्क्रोटल सैक। अब टेस्टिस में प्रेजेंट क्या होता है, स्पर्म कैसे बनता है। अब ये जो टेस्टिस का है इसका साइज भी देख लीजिए, इसका साइज ऊंचाई होती है 4 to 5 centimeters लेंथ, अब ब्रेथ होती है इसका 2 to 3 centimeters, 2 to 3 centimeters चौड़ा, 4 to 5 centimeters लंबा एक एडल्ट मेल में, ठीक है। देखिए लेंथ
4 to 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको याद करना है, ये पूछा नहीं जाता। हाँ, ये पूछा जाता है इस होटल से का टेम्परेचर कितना होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। इसका शेप ओवल होता है, ठीक है। इसका लेंथ होता 4 to 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ होता 2 to 3 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर ये रहा टेस्टिस, ये पूरा टेस्टिस बताया गया। ये एक वॉल से अटैच होता है, किस वॉल से अटैच? स्क्रोटल वॉल से अटैच होता है, ठीक है। एक मिजोर्नोकुलम आता है, गुबर्नेकुलम, बहुत सारे यहाँ पे मसल्स होते हैं उससे अटैच होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, फीमेल में जो टेस्टिस होता है, ओवरी होता है, वो प्रेजेंट कहाँ होता है? एब्डोमन में। अब मेल में जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द एब्डोमन प्रेजेंट होता है, स्क्रोटल साइड। तो जो बेबी होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो टेस्टिस होता है वो डेवलप तो एब्डोमन में ही होता है, ठीक है। बात याद रखी, जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमन में ही डेवलप होता है, एब्डोमन के बाहर डेवलप नहीं होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के दौरान उससे कुछ दिन पहले जो टेस्टिस होता है वो डिसेंडेंट होता है, मतलब आउटसाइड द एब्डोमन आता है, उसे बोलते हैं डिसेंडेंट टेस्टिस, ठीक है। अब कुछ केस में, बहुत कम केस ऐसा होता है जहां पर टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाते, मतलब बाहर नहीं निकल पाते, हम उसे बोलते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस, ठीक है। अनडिसेंडेंट टेस्टिस बोलेंगे, अनडिसेंडेंट टेस्टिस बोलेंगे। तब तो वहां पर वो जो टेस्टिस है वो बाहर नहीं आ पाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा तो वहां का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से रहेगा, तो वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हमें पता चलता है कि टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ, अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, मतलब टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर नहीं आया है, तो हम उसे सर्जरी के थ्रू बाहर निकालते हैं। उसे उस सर्जरी को बोलते हैं ऑर्चियोपेक्सी, मतलब जो टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ उसे सर्जिकली रिमूव किया बाहर की तरफ, उसे बोलेंगे आर्चियोपेक्सी। और जो अंदर है उसे अनडिसेंडेंट टेस्टिस, और सबका डिसेंडेंट टेस्टिस होता है जो पार्चुरेशन के दौरान बाहर आ जाता है, ठीक है। और जो अनडिसेंडेंट टेस्टिस होता है वो मैलिग्नेंसी प्रॉपर्टी रखता है, मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। ओके, जो अनडिसेंडेंट टेस्टिस है वो मैलिग्नेंसी कॉज भी कर सकता है, कैंसर कॉजिंग भी है, ठीक है। टेस्टिस बाहर क्यों निकलता? बाहर इसीलिए, एक ही वजह इसका बाहर निकलना है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इसे बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, इसी वजह से बाहर आता है। गर्मियों के टाइम में ये रिलैक्स रहता है, ठंडी के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है। आपको बात ये याद रखनी होगी। अब इसमें स्पर्म कहाँ बनता, इसके अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टेस्टिस में 250 प्रेजेंट होते हैं। इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन, उनका अमाउंट होता है कितना नंबर में प्रेजेंट होते हैं? 250। ये दिख रहा होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये ऐसे से बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे दिखाने के लिए आपको इतने बता के, वरना इसमें मौजूद होंगे। इसका यहाँ पे कट किया गया, आधा ही कट किया गया जिससे दिख सके, आधा पैक है, जैसे पूरा पैक है वैसे आधा पैक है, ओवल शेप का होता है, ओवल से हमने आधे को काट दिया तो आपको स्ट्रक्चर दिख सके। एक टेस्टिकुलर, एक टेस्टिस में इन ईच टेस्टिस टेस्टिकुलर्स आर प्रेजेंट 250, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए 250 कंपार्टमेंट है, उसे हम लोब्यूल्स बोल रहे हैं, 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनिच अगर दोनों में पूछा जाए तो कितने होंगे? 500 होंगे, सीधा डबल कर दीजिए, क्योंकि टेस्टिस दो है ना, तो 200 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, 200 500 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट लोग प्रेजेंट होंगे। अगर इनिच टेस्टिस पूछता है तो 250 जाएगा, इन टेस्टिस पूछता है तो, अगर केवल टेस्टिस शब्द आया तो 500 मारेंगे, अगर इन ईच ईच प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। तो अब देखते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं,
जहां की इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक टेस्टिकुलर लोबिल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहां पे लिखा साफ साफ, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट होते हैं। तो 250 में कितने प्रेजेंट होंगे? 250 में 750 सेमिनिफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट होंगे। दोनों टेस्ट इसमें 1500 हो जाएगा, ठीक है। एक टेस्टिकुलर लोबिल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट होंगे, तो 250 में 250 से 750 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। हमने 750 मान लिया, हमने मान लिया कि एक टेस्टिकुलर लोबिल्स में 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट है, ओके, ठीक है ना। सेमिनिफेरस, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल किससे लाइन होता है? दो तरह के सेल से लाइन होता है, एक मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल्स, दो तरह के सेल से लाइन होता है। एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, आपको बस यही याद करना, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे, एनफ है आपके लिए, ठीक है। लाइंड बाय मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल, ठीक है। ये जो मेल जर्म सेल है ये म्यूटिक करके स्पर्म बनाता है, और जो सर्टोली सेल है ये सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। मेल जर्म सेल को सर्टोली सेल क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये दोनों सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल पे। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहाँ प्रेजेंट है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ठीक है। और जो इसके अंदर व्हाइट व्हाइट पार्ट है, बहुत हल्के हैं लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं, होते हैं। तो यहाँ पर जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है उसे स्पेस बोलेंगे ना हम, खाली जगह। आपके घर में अगर हो जितने भी सामान होंगे उसके बाद से जो जगह बच रहा है उसे स्पेस ही बोलोगे ना, मतलब खाली जगह बची आप सामान रख सकते हो। तो उसमें भी कुछ ना कुछ सामान तो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इंटरस्टीशियल स्पेस बोलते हैं इसमें, इंटरस्टीशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लेडिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इंटरस्टीशियल सेल्स यानी कि लेडिक सेल्स, कहाँ प्रेजेंट होती है? ये व्हाइट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसे हम इंटरस्टीशियल स्पेस बोलते हैं। या इंटरस्टीशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होगी? इंटरस्टीशियल सेल प्रेजेंट होगी, उसको एक नाम दिया गया लेडिक सेल्स। इसका क्या काम है? ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जो कि एंड्रोजन नाम है जिसका, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजन, ठीक है। जो कि स्पर्मेजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्मेजेनेसिस मतलब स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। यहाँ से एंड्रोजन निकला, फिर जाएगा हाइपोथैलेमस से, वहां पे टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा, टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है स्पर्म बनाने में, ठीक है। ये तो हम गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे, आप इतना जान लीजिए। लेडी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरस्टीशियल स्पेस में, ठीक है। और क्या बनाकर रिलीज करता है? एंड्रोजन बनाता भी है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजन। कुछ सेल्स यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या काम है भाई? इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम को रोकेंगे वहां पर आने से, ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम कहाँ पर काम करता है? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बाहरी सेल आ जाए, बाहरी बैक्टीरिया आ जाए, मतलब वो सेल या ना सिंगल सेल बैक्टीरिया आ जाए, तो इम्यून सिस्टम आके उससे लड़ता, भाई तुम दूसरे के टेरिटरी में आ गए, भाग यहाँ से। तो यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है? बात तो ये आ गई ना, एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी में दूसरे पेज पे लिखा हुआ है ये लाइन, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आर प्रेजेंट। तो क्यों प्रेजेंट है यहाँ पर? यहाँ पर तो कोई घुस भी नहीं रहा अभी तक, कोई है नहीं, कोई नहीं है बाहरी सेल्स, कोई नहीं है, जो है हमारी बॉडी की सेल्स है, ठीक है। पहली बात बताइए, हमारी सेल्स, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है सारी की सारी डिप्लॉइड है, मतलब 2n है। और जो यहाँ पर स्पर्म बन रहा है वो कौन सी डिवीजन से बन रहा है? मियोसिस या माइटोटिक? मियोसिस या माइटोसिस? मियोसिस से बन रहा है ना, मियोटिक डिवीजन से मतलब रिडक्शन डिवीजन से बन रहा है। रिडक्शन डिवीजन है इक्वेशनल डिवीजन, जो मेल जर्म सेल है ये रिडक्शन डिवीजन से वो करेगा, फिर एक मेल जर्म से 4 स्पर्म बनेंगे, ठीक है। अभी आप गैमेटोजेनेसिस पढ़ोगे, अभी आप जान लीजिए जो मेल जर्म सेल है वो रिडक्शन डिवीजन से बनाएगा स्पर्म बनाएगा। तो यहाँ पे जो स्पर्म बनेगा वो हैप्लॉइड होता है, स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और ओवम भी हैप्लॉइड होता है, दोनों फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। तो यहाँ जो हैप्लॉइड बना है तो हमारी सारी सेल्स
डिप्लॉइड है, तो इम्यून सिस्टम जो है उसे पता नहीं चलता कि जो स्पर्म है हमारी बॉडी के अंदर ही बना है, क्योंकि वो डिप्लॉइड तो बना नहीं, वो हैप्लॉइड बना है, तो उसके लिए बाहरी सेल्स हो गई, इम्यून के लिए वो बाहरी सेल्स हो गई कि हमारी सेल्स का नहीं, बाहर से आया हुआ है, हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, इसलिए वो उसे खत्म करने के लिए पहुंच जाती है। फैगोसाइटिक सेल भी होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, वो ने खाने के लिए पहुंच जाएगी, पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, तो उन्हें रोकना है। स्पर्म हमारी बॉडी की सेल से ना हमें कोई खतरा है, स्पर्म का काम तो कुछ है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए जाना उसे, तो उसे हमें बचाना भी तो है, क्योंकि ये तो मार देगी उसे। अगर आप किसी के घर में जा रहे हो, तो अगर आपके घर में कोई जान पहचान वाला, तब उसके घर में आप आसानी से आ जाओ, कोई नहीं है तो नहीं आ पाओगे, घर वाले मार देंगे उसे अगर जबरदस्ती करेगा तो, क्योंकि ये तो बाहर भागेगा नहीं, स्पर्म उसी बॉडी में ही रहेगा, तो इसीलिए वहां पे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि सर्टोली सेल है, वो बनाती है ब्लड बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है, बीटीबी, ब्लड टेस्टिस बैरियर, जिससे कि जो इम्यूनोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है वो स्पर्म के पास पहुंच नहीं पाते, स्पर्म और के बीच में आकर खड़ी हो जाती है कि जो इम्यून सिस्टम है वो इसको पार ना कर पाए, ब्लड से इस तरफ आ ही नहीं पाएगी, तो स्पर्म को नुकसान ही नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक है। इसीलिए जो स्पर्म रहता है वो बचा रहता है, ये इसके पास नहीं पहुंच पाती, और सर्टोली सेल उसका काम करती है, ठीक है, बात समझ में आई। जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल है वो यही काम करती है, स्पर्म को और इम्यून सिस्टम को मिलने नहीं देती, अगर एक बार मिल लिया लोगों ने तो खत्म कौन होगा आपको पता है, स्पर्म को, स्पर्म का टाटा बाय बाय कर देगी, ठीक है, अगर स्पर्म गया तो हमारी अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, सारी इम्यून सिस्टम मारने लगे सबके सब शरीर में, तो खत्म हो जाएगा ना, तो सर्टोली सेल बचा कर, सर्टोली सेल का और क्या काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना किसे, मेल जर्म सेल को, मेल जर्म सेल रिडक्शन डिवीजन करके स्पर्म बनाएगा। अब जब स्पर्म बन गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में स्पर्म बन गया, अब स्पर्म टेस्टिस में तो रहेगा नहीं, टेस्टिस में रहेगा नहीं, जगह नहीं है ना भैया, और भी तो स्पर्म बनने हैं, एक ही थोड़ी ना बनाना था हमें, अब स्पर्म को और बनाना है, और बनाना बहुत सारे नंबर है, 200 से 300 मिलियन एक ही पॉपुलेशन में स्पर्म निकलता है, तो बनना भी तो चाहिए उसी हिसाब से, तो अगर आप किसी चीज का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो बनाने के बाद उस सामान को कहीं और शिफ्ट करो, तभी तो अपना सामान और बनाओगे, अगर जगह भर जाएगी तो बनेगा, बनाओगे ही नहीं, तो यहां से जो स्पर्म है वो बाहर निकलने लगता है। सबसे पहले दिख रहा होगा आपको रेटिनोसिस, हाँ, ये चारों जो है मेल के एसेसरी डक्ट है, ठीक है, मेल एसेसरी डक्ट में क्या बना सकते हैं, रेडी टेस्टिस वासा इफरेंस या एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, क्यों बोलते हैं मेल एसेसरी डक्ट, देखिए आप जो टेस्टिस बना सबसे पहले रेडी टेस्टिस में जाएगा, रेडी टेस्टिस के जरिए एपिडिडाइमिस थ्रू वासा इफरेंसिया, मतलब ऐसे याद कीजिए आप, रेडी टेस्टिस के बाद वासा इफरेंसिया में जाएगा, वासा इफरेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस में जाएगा, ये देखिए रेटी टेस्टिस वासा इफरेंसिया एपिडिडाइमिस से वाला स्ट्रक्चर, फिर एपिडिडाइमिस होते हुए ये वास डिफरेंस में चला जाएगा, वास डिफरेंस यूरेटर से पास करता हुआ इधर आ जाएगा, अभी आप इतना ही देखिए, ठीक है, ये चारों स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़े, मतलब कैसे जाता है स्पर्म का, ये क्वेश्चन पूछता है, चारों में दे देगा, एक गायब कर देगा, ये मैचिंग दे देगा, एक ऐसे बना देगा, रेटी टेस्टिस एपिडर्मिस वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस रेटी टेस्टिस, एक सही दे देगा, तीन गलत दे देंगे, तो आपको याद रहेगा तभी तो बता पाओगे कौन सा सही है, ठीक है, रेटी टेस्टिस वासा इफरेंस या एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, जो एपिडिडाइमिस है वो फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म करता है, और टेम्परेरी स्पर्म को अपने पास स्टोर करके रखता है 1 महीने तक, लगभग 1 महीने तक, अप्रोक्स 1 month अपने पास स्टोर करके रखता है, जो स्पर्म होता है उसे स्टोर करके रखता है एपिडिडाइमिस, यहाँ पे फंक्शनल मैच्योरेशन करता है, ठीक है, स्पर्म बना, अभी स्पर्म को आप डायग्राम देखोगे, स्पर्म हेड होता है, टेल होता है, नेक होता है, जो टेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एटीपी, एनर्जी भी चाहिए चलने के लिए, तो अगर यहाँ पर तो एनर्जी की जरूरत नहीं उसे, चलना फिरना नहीं, अगर यहाँ पे चलती फिरती अगर अपनी सारी एनर्जी खो देगी, चलना कहाँ उसे, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में चलना है, फीमेल वजाइना में ट्रेवल करके ओवम के पास जाना होता, तो यहाँ पर फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कर देता है,
जो स्पर्म की टेल होती है उसे उसकी मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है, रिपीटेड डैमेज का काम है, और फंक्शनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म करता है, और ये परमानेंट नहीं स्टोर करता है, टेम्पररी स्टोर करता है स्पर्म को। स्पर्म का रास्ता पता चल गया ना, बना कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, टेस्टिकुलर लोबिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल में प्रेजेंट होता है, और मेल जर्म से रिडक्शन की वजह से स्पर्म बनता है, और सर्टुलिस से काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, टेस्टिकुलर लोबिस से डिटेरेशन में जाता है स्पर्म, उसके बाद से आता है वासाई फ्रेंस से, ऐसे स्ट्रक्चर होता है वासाई फ्रेंस से, एपिडिडाइमिस और रेटिस्टेसिस को जोड़ता है, तो वासाई फ्रेंस के बाद एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस में जाएगा, वास डिफरेंस होते हुए यहां पर आएगा, ठीक है। ये वाला यूरेटर है जहां से यूरिन आता है, ठीक है, ये वाला यूरेटर, ये वाला वास डिफरेंस है, यहां से स्पर्म आता है, यहां से यूरिन का रास्ता ये, ठीक है, और यूरिन और सीमन का रास्ता, सीमन समझते हैं ना, स्पर्म और जो सेमाइनल प्लाज्मा होंगे, सेमाइनल फ्लूड होंगे, उन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सीमन, ठीक है। स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूड, ठीक है, जो सीमन और यूरिन का रास्ता सेम ही होता है, ये यहां से आएगा, देखिए यूरेटर भी यहां पर खुल गया और वास डिफरेंस भी यहां पर खुल गया, तो इन दोनों का रास्ता सही है ना, बीच वाला होते हुए यहां तक पहुंचेंगे और यूरेथन मीटर से पास कर जाएंगे। अभी हम स्पर्म का रास्ता देख रहे हैं, स्पर्म कहां तक आ गए, वास डिफरेंस तक, वास डिफरेंस के आने के बाद यहां पर अब सेमाइनल प्लाज्मा भी ऐड होंगे, मतलब सेमाइनल फ्लूइड भी ऐड होंगे स्पर्म के साथ, तभी तो सीमन बनाएगा, अभी तक तो स्पर्म ट्रेवल करके आया है, अब यहां पर सेमाइनल फ्लूइड से ये कवर हो जाएगा, ठीक है, सेमाइनल फ्लूइड में मिल जाएगा, तब तो उसे सीमन बोले। सेमाइनल फ्लूइड कौन कौन से, तीन ग्लैंड होते हैं, ठीक है, एक सेमाइनल वेसाइकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक बल्बोयूरेथरल ग्लैंड। अब देखिए सेमाइनल वेसाइकल होता है वो पेयर में पाया जाता है, टू होते हैं, मतलब दो जोड़ी, एक जोड़ी में होते, एक जोड़ी मतलब दो हो गए ना, देखिए लिखा है टू, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक होते हैं, और जो बल्बो यूरेथरल ग्लैंड है वो दो होते हैं, ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, बस प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पेयर में नहीं प्रेजेंट होता, ये जो स्ट्रक्चर देखो देखोगे आप, ये बोलोगे सर पेयर में प्रेजेंट है, जैसे ये पेयर में, ये भी पेयर में, ये भी पेयर, तो ये पीछे स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ ऐसे करके है, तो एक ही स्ट्रक्चर आपको आगे की तरफ से दो दिख रहा है, ठीक है, आप कोई आप करना, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है पेयर में नहीं होता, सेमाइनल वेसाइकल पेयर में होता है, बल्बो यूरेथरल ग्लैंड भी पेयर में होता है, ठीक है, हम बल्बो यूरेथरल ग्लैंड को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब सेमाइनल वेसाइकल और पोस्टेरियर ग्लैंड सेमाइनल फ्लूइड सिक्रेट करेंगे जो कि रिच होते हैं फ्रक्टोज में, कैल्शियम, कैल्शियम फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम उनके पास ज्यादा होता है, ठीक है, फ्रक्टोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम भी उसमें रिच होते हैं, ये एंजाइम पाया जाता है उसमें, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल पोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट करता है, ये बनाता है सेमाइनल फ्लूइड। अब तो बल्बोयूरेथरल ग्लैंड भी प्रेजेंट है ना, इसका क्या काम होता है, ये हेल्प करता है, बल्बोयूरेथरल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, जो ये फोरस्किन है इसके पास ऐसी भी कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, पेनिस के पास ऐसी मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इरेक्टाइल टिश्यू से बने, तो इरेक्शन में मदद करते हैं, इरेक्शन आएगा स्पर्म पेनिस में, तभी तो इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन होगा जो स्पर्म यहाँ पे सीमन स्टोर है वो बाहर निकलेगा इंसेमिनेशन के दौरान, तो इंसेमिनेशन के दौरान जो यहाँ पर क्यूसन होता है फोरस्किन और इसके पेनिस के टिश्यू में उसको कम करता है ये बल्बोयूरेथरल ग्लैंड, यहाँ पे लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है, और ये पेयर में पाया जाता है,
जो पेनिस का स्ट्रक्चर है ये आगे की तरफ ऐसा होता है, ठीक है। देखिए आप स्ट्रक्चर, आगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लैंड पेनिस बोलते हैं, और जो वहां पे होल होता है जहां से सीमन और यूरिन बाहर निकलता है उसे यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, और वो एक लेयर से ढका हुआ था इसकी किस से, उसे फोर स्किन बोलते हैं। अब जिस रास्ते से आता है उसे यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। जो फोर स्किन है यहाँ पे प्रीप्यूब्स जमा हो जाते हैं, ठीक है, वाइट वाइट से होते हैं, प्रीप्यूब्स जमा हो जाते हैं। इनकी वजह से कई सारी बीमारियां भी हो जाती है पेनिस में, इसके ग्लैंड पेनिस में, जो इसका बल्ज पार्ट है, ठीक है, उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे प्रीप्यूब्स जमा हो जाते हैं। इसीलिए कई लोग यहाँ पर अपना फोर स्किन रिमूव करवा लेते हैं, ठीक है, सर्जिकली रिमूव करवा लेते हैं, उसे हम बोलते हैं सरकमसीजन, ठीक है। सरकमसीजन मतलब का मतलब क्या होता है, सर्जिकली सर्जिकली रिमूव फोर स्किन, फोर स्किन को सर्जिकली रिमूव करवा लेते हैं। वरना जो प्रीप्यूस होता है ये फोर स्किन सी सिक्रेट करता है वहां पे, प्रीप्यूस सिक्रेट करेगा तो वहां पर वो जमता रहेगा, जमता रहेगा तो उससे जो ये ग्लैंड पेनिस वो हार्ड हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसलिए फोर स्किन हटवा देंगे तो वहां पे प्रीप्यूस सिक्रेट ही नहीं होगा, तो ना ही कोई कुछ होगा यहाँ पर, ना बीमारी होगी, और ये बिल्कुल स्मूथ रहेगा। जो काउपर्स है बल्बोइथ्रा ग्लैंड है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करती है, ठीक है, और इसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब ये आ गया सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ये सेक्रेट करती है सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल फ्लूइड, वो किस चीज में रिच होता है, फ्रक्टोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम में रिच होता है, और सीमन मिल क्या बनाता है, स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड मिलके सीमन बनाता है, ठीक है। जो सीमन का पीएच होता है वो होता है 7.4, ठीक है। और जो एक बार एक इजेकुलेशन में, वन इजेकुलेशन में जो स्पर्म होता है वो 200 से 300 मिलियन में बाहर आता है एक बार इजेकुलेशन में, ठीक है। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए स्पर्म फर्टिलिटी की करेगा ना, पता करेगा जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, तो 200 से 300 मिलियन में एक इजेकुलेशन में स्पर्म बाहर आता है। तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होने चाहिए, मतलब चलने फिरने लायक होने चाहिए, उनमें से 40%, 60% जो होने चाहिए नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, मतलब उनका पूरा शेप और साइज, पूरा स्ट्रक्चर, टेल, हेड, नेक, सारे प्रेजेंट हो, 60% स्ट्रक्चर में, 60% स्पर्म में। जो 40% स्पर्म है वो विगोरस मोटिलिटी शो करनी चाहिए, विगोरस मतलब रेस लगाने के तैयार हो, जो रेस लगा के 40 मिलियन में सबसे पहले वो हमके पास पहुंचेगा वही फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। जो पीछे रहेगा वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, एक एक ओवम से एक ही फर्टिलाइजेशन करता है। कई कई केस में, बहुत कम केस में, 1 in 1 million, 1 in 1 lakh मान लीजिए, मिलियन ज्यादा हो गया, 1 in 1 lakh एक ओवम से दो स्पर्म कर जाते हैं, या दो ओवम सिक्रेट होते हैं दो स्पर्म कर जाते हैं, वरना एक स्पर्म से एक ही ओवम फ्यूज करेगा, जो ओवम के पास जल्दी स्पर्म पहुंचेगा वही जाके फ्यूज करेगा। 200 से 300 मिलियन स्पर्म से स्पर्म है, लेकिन एक ही ओवम, एक ही स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। इसीलिए मेल का जो गैमेट है वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इसे रेस लगा के जाना पड़ता है। जो फीमेल गैमेट है वो स्टैटिक है, वहीं पे प्रेजेंट रहेगी, वो एक गैमेट बनाती है, वहां पर एक ही गैमेट बनता है, जो उसे हम ओवम बोलते हैं। यहां से जाना है यहाँ वहां तक जाने जाते रास्ते में बहुत सारे गैमेट जो स्पर्म होते हैं लॉस हो जाते हैं, तो कोई ना 200 से 300 मिलियन में, अच्छा 40% में कोई ना एक तो पहुंचेगा ही, तो एक पहुंचता वही फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। यहां तक ये बात हो, ये आपका यूरिनरी, ये यूरेटर है, आपको इसमें पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबके बारे में आपको बता दिया गया, कौन किसका क्या काम है, किसका क्या काम, जो लेडिक सेल्स है इसका काम आपको
आगे पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में, ठीक है। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसमें एक और बात देख लेते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। पेनिस का इरेक्शन कैसे होता है, उसे कंट्रोल कौन करता है। ये पेनिस है, ये मसल से बने थे जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, ठीक है। इसका जो यहाँ पे रूट है वो क्रूरा टिश्यू से बने होते हैं, और जो इधर वाले लेफ्ट और राइट कॉपर कैवर्नोसा बोलते हैं, उसे हमें याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए इरेक्टाइल ऑफ पेनिस। इरेक्टाइल जो इरेक्टाइल वो कंट्रोल कौन था, इसे वेस्कुलर फिनोमिना, और ये केवल और केवल एएनएस कंट्रोल करता है। एएनएस और पीएनएस आप 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। एएनएस और पीएनएस दो होते हैं, केवल इसे इरेक्टाइल ऑफ टिश्यू एएनएस कंट्रोल करता है। और हम बात करते हैं जो पेनिस होता है वो तो ऐसे नॉर्मल शेप का होता है, जब यहाँ पे जब इरेक्टाइल करना होता है, इंसेमिनेशन करना, तब तो इसका साइज बड़ा हो जाता है और ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। एनलार्जमेंट एंड हार्डनिंग ऑफ पेनिस कैसे होता है, हार्डनिंग ऑफ पेनिस हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और ये एनलार्ज हो जाता है, थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, कोई ना कोई कारण तो होगा इसका। तो यहां पर ये, यहां पर जब इरेक्शन करने का होता है, इरेक्टाइल टिश्यू से पहले यहाँ पर प्रेजेंट है कॉपर कैवर्नोसा, और यहाँ पर क्रूरा टिश्यू प्रेजेंट है, और ये जो रूट है, ये रूट मानेंगे ना, रूट से निकला हुआ पेनिस, जो एंटीरियर पार्ट में वहां पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बल्ज होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, यहाँ पे क्रूरा टिश्यू प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर कॉपर कैवर्नोसा प्रेजेंट होता है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा राइट साइड में, उसके अंदर कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये इरेक्टाइल टिश्यू है। यहाँ पर पेनाइल आर्टरी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप मान लीजिए जैसे छोटे छोटे गुब्बारे हैं, इसके अंदर बहुत सारे आर्टरी के फॉर्म में गुब्बारे प्रेजेंट है, छोटे 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 गुब्बारे प्रेजेंट। जब यहाँ पे एएनएस कंट्रोल करता है इरेक्शन, जब इरेक्शन होने वाला होगा तो जो ब्लड का फ्लो होता है यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है पेनाइल आर्टरी में। जब पेनाइल आर्टरी में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा, तो जो गुब्बारे हैं, आप ऐसे याद कर, जो गुब्बारे हैं उसमें हैं अभी तो उसमें ब्लड नहीं, तो ब्लड जाएगा तो उसमें ब्लड पूरा भर देगा, सारे गुब्बारे में भरता हुआ चला जाएगा, सारी की सारी पेनाइल आर्टरी में ब्लड आता जाएगा, तेजी से फ्लो करेगा, ठीक है। तो उसी उसकी वजह से जब फ्लो करेगा तो अपनी साइज में तो बढ़ाएंगे ना गुब्बारे, अगर को फूकोगे उसमें हवा भरोगे तो बड़े ही तो होंगे, छोटे थोड़ी ना होंगे, पहले तो छोटे होंगे, उसमें आप फूकोगे हवा भरोगे तो बड़े होंगे। तो यहाँ पर जब आर्टरी है उसे गुब्बारे के फॉर्म में मान लीजिए प्रेजेंट है यहाँ पर पूरे पेनिस में, तो उनका साइज बड़ा होगा और वो हार्ड हो जाएंगे। हार्ड क्यों होते हैं, पेनाइल आर्टरी में जब ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है तब ये जो पेनिस होता है हार्ड और एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तब उसके बाद यहाँ पर इरेक्शन होता है, फिर वहां पर इंसेमिनेशन होगा, इजेकुलेशन होगा, ठीक है। इंसेमिनेशन इजेकुलेशन नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। फिर यहाँ पे इरेक्शन टिश्यू होगा, फिर यहाँ से इंसेमिनेशन होगा। आपको पता चलिए इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसे होता है, और हार्डनिंग और एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस कैसे होता है। जो यहाँ पे ब्लड फ्लो का होता है वो इंक्रीज हो जाता है इनॉर्मसली, बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। इरेक्शन होने के तुरंत बाद ही जो पेनाइल आर्टरी में ब्लड का फ्लो रिड्यूस होता है, जैसे रिड्यूस होगा वैसे ही पेनाइल अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगी, ना ही पेनाइल हार्ड रहेगा ना ही एनलार्ज रहेगा, अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगी। फिर दोबारा जब इरेक्शन करने का होगा, इरेक्शन आएगा, एएनएस कंट्रोल करेगा, तो एएनएस फिर ब्लड फ्लो इंक्रीज करवा देगा, फिर पेनाइल आर्टरी में ब्लड भरेगा तो वहां पे फिर हार्ड हो जाएगा, फिर एनलार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया इरेक्शन ऑफ पेनिस। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा एक डायग्राम से, अगर आप पूरा लेक्चर देखते हो और एनसीईआरटी सामने खोल के रखते हो, पहले लेक्चर चाहे पहले एनसीईआरटी पढ़ के लेक्चर देख लो, पहले लेक्चर सुनकर एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।